नमस्कार आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर और आज आई इंडिया के स्टूडियो में खास मेहमान आए हुए हैं जिनका परिचय हम यदि कराते हैं तो छोटी बात होगी सभी जानते हैं पूर्व एमएलसी हरीश वाजपेयी जी को तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और इसके अलावा एक बड़ा परिचय है चूँकि सारा देश स्वतंत्रता दिवस की धूम में अब रम चुका है ऐसे में आपका परिचय ना हो तो वो भी गलत ही कहा जाएगा क्योंकि इकलौते ऐसे आप व्यक्तित्व के धनी हैं जो 1974 से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिवार को सम्मानित करते आ रहे हैं उनको नमन करते आ रहे हैं आपकी जो संस्था है स्वतंत्रता संग्राम स्मृत संस्थान जिसके आप अध्यक्ष हैं और वो 1974 से लगातार लाल बाग पार्क है जहाँ पर एक कार्यक्रम आयोजित करते हैं जिसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों को सम्मानित करते हैं और आज हमने खास अनुरोध करके बुलाया है क्योंकि जो युवा पीढ़ी है वो धीरे धीरे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बलिदान को भूलती जा रही है जबकि सीतापुर की माटी में ऐसे बहुत सारे वीर सपूत रहे जिन्होंने आज़ादी दिलाने में अपना एक अद्वितीय योगदान दिया आज हम आपसे जानेंगे क्योंकि आपने आज़ादी को भी करीब से देखा है और आज़ादी दिलाने वाले परिजन हों या उनके बारे में आपसे बेहतर शायद ही कोई जानता हो तो युवा पीढ़ी के लिए खासकर जनपद वासियों के लिए हम आज हरीश वाजपेयी जी को आमंत्रित किए हैं और आपसे जानेंगे सीतापुर के उन खास स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में उनके बलिदान के बारे में तो हम चाहेंगे दर्शकों को एक एक कर जैसे कि लाल बाग पार्क यहाँ के इतिहास के बारे में वो घटना के बारे में युवाओं को आप बताएंगे तो उनके लिए आने वाले समय के लिए यादगार होगा सबसे पहले तो हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि महात्मा गांधी की जो आइडियोलॉजी है आज वो निष्प्रय होती जा रही है आज अगर हम देखें तो दूसरे दूसरे देश के लोग महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी पर चलते हैं और उनसे प्रेरणा लेते हैं लेकिन आज साहित्यकार हो या बुद्धिजीवी हो या शासन में बैठे हुए लोग हो या जो और दूसरे प्रशासन में काम करने वाले लोग हो आज उनकी आइडियोलॉजी पर चलने का प्रयास नहीं कर रहे हैं यह सबसे दुखद बात है दूसरी बात यह है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी किसी एक पार्टी के व्यक्ति नहीं थे उन्होंने इस देश की आजादी में अक्षुण योगदान किया मैं समझता हूं कि इसीलिए उन्हें राष्ट्रपिता कहा गया और आज हम जब देखते हैं तो तमाम कार्यालयों में संस्थानों में जो महात्मा गांधी के चित्र थे आज गायब होते जा रहे हैं यह बड़ी चिंता का विषय है सीतापुर जनपद स्वतंत्रता आंदोलन के लिए महत्वपूर्ण तरह से जाना जाता है और मैं सौभाग्यशाली हूं कि ऐसे जिले में हम जन्मे जहां की पहली सांसद उमा नेहरू जो नेहरू परिवार से जिन्होंने तीन चार पीढ़ियों के परिवार ने देश की आजादी में अपना अभूतपूर्व योगदान किया वो हमारी सांसद रही हैं और वही नहीं श्रीमती डॉक्टर राजेंद्र कुमारी वाजपेयी जो इंदिरा गांधी जब इलाहाबाद कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष थी तो उनके महामंत्री के रूप में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान किया और देश की आजादी में योगदान किया और इतना ही नहीं पंडित जगदीश चंद दीक्षित जैसे विद्वान जिनका स्वतंत्रता आंदोलन में कितना योगदान रहा है उसको हम विस्तार से कहेंगे तो कई घंटे लग जाएंगे जो आईएलओ के चेयरमैन रहे जो सांसद भी रहे मंत्री भी रहे जो विधान परिषद के सभापति भी रहे वे भी हमारे जन प्रतिनिधि के रूप में सांसद के रूप में हमको मिले हम ये भी कहना चाहते हैं आज के अवसर पर स्मरण करना चाहते हैं आचार्य नरेन्द्र देव जो समाजवादी समाज के जनक कहे जाते हैं जिनका शिक्षा के क्षेत्र में योगदान है संसदीय कार्यों में जिनका योगदान है जिन्होंने इस देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण योगदान किया वे भी हमारे सीतापुर में 30 अक्टूबर अठारह को जन्मे हम सबसे पहले शुरू करते हैं कि आचार्य नरेंद्र देव जी।, जी की शताब्दी होनी थी सौ वर्ष होने वाले थे पंडित जगदीश चंद्र दीक्षित जो विद्वान थे विचारक थे उनसे हमारी वार्ता हुई और उन्होंने कहा के एक शताब्दी समारोह की का एक कार्यक्रम आयोजित किया जाना चाहिए और उन्होंने एक समिति बनाई और उस समिति में सारे जितने भी दल थे दलगत नीत को छोड़ते हुए सारे दलों के नेताओं को उसमें समाहित किया और वो समिति बना करके हम लोग उस समय मुख्यमंत्री पंडित नारायण दत्त तिवारी थे उनसे मिलने गए और जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि वो भी समाजवादी पार्टी से कांग्रेस में आए थे और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे आचार्य नरेंद्र देव से उन्होंने प्रेरणा ली थी तो उन्होंने उसे स्वीकार किया एक समिति बनाई गई और उस समिति के चेयरमैन मुख्यमंत्री नारायण तिवारी अध्यक्ष हुए और उसके संयोजक पंडित जगदीश चंद दीक्षित बनाए गए और उस समिति में हमारे विधान परिषद के शिक्षक दल के नेता ओम प्रकाश शर्मा और शिक्षक दल के दूसरे पांडे गुट के पांडे नेता और उसमें जो मार्क्सवादी पार्टी थी पार्टी के थे श्रीवास्तव जी, जी और जो कम्युनिस्ट पार्टी के थे तमाम पार्टियों के लोगों को उसमें रखा गया हम लोग नारायण दत्त तिवारी जी के पास गए और उनसे वार्ता के बाद उस समिति को पूरी तरह सुसज्जित किया गया और एक योजना बनाई गई कि हम पूरे उत्तर प्रदेश में नारायण दत्त तिवारी जी के अध्यक्षता में सारे जगहों पर कई कार्यक्रम उनकी शताब्दी पर आयोजित किए जाए निर्णय लिया गया चूंकि सीतापुर में उनका जन्म हुआ था तो उसका शुभारंभ सीतापुर से किया जाए हम लोग सीतापुर में आयोजन के लिए मीटिंग करते रहे और ये निर्णय लिया गया कि राष्ट्रपति तत्कालीन राष्ट्रपति श्री वेंकट रमन साहब को आमंत्रित किया जाए उस कार्यक्रम में हम लोग नारायण हम लोग जगदीश चंद्र दीक्षित राजेंद्र कुमारी वाजपेयी आचार्य देव के पुत्र भी उस समय राज्यसभा के सदस्य थे तीन चार लोग हम लोग वेंकट रमन साहब से मिलने गए और उनसे हम लोगों ने समय की मांग की अनुरोध किया मुझे बहुत अच्छा लगा उन्होंने कहा मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ क्या मुझे आचार्य नरेंद्र देव की शताब्दी समारोह के उद्घाटन के लिए बुलाने के लिए आए हैं आमंत्रित करने के लिए आए हैं हम लोगों ने कहा ऐसी क्या बात है उन्होंने कहा जब ये हमारे प्रदेश में हमारे यहाँ जाते थे आचार्य नरेंद्र देव तो तमिल भाषा में हम इनके भाषणों का अनुवाद करते थे हमें बड़ी प्रसन्नता होगी उनके कार्यक्रम में आने के लिए और उसी के बाद सीतापुर में 89 में यहाँ पर आचार्य नरेंद्र देव शताब्दी समारोह के द्वारा यहाँ पर आचार्य नरेंद्र देव शताब्दी समारोह के उद्घाटन का कार्यक्रम ग्रास फार्म में रखा गया और लोकल संयोजक हम बनाए गए थे तो हम लोगों ने यहाँ पर बहुत बड़ा बृहद रूप से आचार्य नरेंद्र देव जी का समारोह आयोजित किया और वो उस कार्यक्रम में वेंकट रमन साहब राज्यपाल जी और माननीय नारायण दत्त तिवारी और उत्तर प्रदेश के तमाम नेता और तमाम मंत्री तमाम बुद्धिजीवी तमाम समाजसेवी और पूरे जनपद से करीब पाँच सात हजार आठ हजार लोग इकट्ठे हुए और वो कार्यक्रम आबादग्रस्त से यहाँ पर आयोजित किया गया तो हम ऐसे जिले के रहने वाले हैं जहाँ पर ऐसे मूर्धन्य लोग यहाँ पैदा हुए और हम ये भी कहना चाहते हैं कि जहाँ शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ पर लोग पैदा हुए वहीं साहित्य के क्षेत्र में भी ध्वज बलदेव जिन्होंने कहा था कि दीजिए समस्या तापे कवित सुनाऊ में कलम रुपे रुके तो कर कलम कराइयो ऐसे ऐसे महत्व महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हमारे जिले में पैदा हुई है आज आपने जो स्वतंत्रता आंदोलन की बात कही है हम कहना चाहते हैं कि यहाँ पर 11 अप्रैल 1922 को पंडित जवाहरलाल नेहरू और मोहनलाल सक्सेना के साथ यहाँ सीतापुर आए थे और वो एक महत्वपूर्ण घटना थी और वो महत्वपूर्ण घटना ये थी कि यहाँ पर अंग्रेजों ने पूरी तरह से इस पूरे ज़िले को पूरी तरह से जकड़ रखा था और जहाँ जहाँ से भी स्वतंत्रता के आंदोलनकारी जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे आवाज़ उठाते थे, थे उनको दबाने का काम कर रहे थे तमाम जगहों पर लाठियाँ चल रही थी गोलियाँ चल रही थी ऐसे अवसर पर कोरिया उदनापुर के एक रमजान अंसारी उर्फ रमजू जो एक सैनिक था और सैनिक की नौकरी में था वो महात्मा गांधी की प्रेरणा से उस नौकरी को छोड़कर वो कुरैया उदनापुर में आके बस गया और उसने वहाँ पर करघे लगाए वहाँ विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार की घोषणा की और न जाने कितने विदेशी वस्त्र न जाने कितनी विदेशी वस्तुएँ उनकी उसने होली जलाई और लगानबंदी आंदोलन में पूरी तरह से योगदान करने लगा आसपास के गांव में उसका पूरी तरह से वहाँ पर सहयोग होने लगा और ये जानकारी जब अंग्रेजी प्रशासकों को लगी तो एक डन नाम के अधिकारी को वहाँ पर भेजा गया उसने चार पांच गांव वहाँ थे उन गांव को पूरी तरह से उनके सैनिकों ने घेर लिया और घेर करके जब कुरैया औदनापुर में घुसे तो निश्चित रूप से देखा कि वो रमजान अंसारी के घर में तिरंगा झंडा ऊपर लहरा रहा था भाले से उसको सैनिकों ने गिरा दिया गिरते ही स्वाभाविक था रमजान अंसारी ने उसका विरोध किया जब विरोध किया तो सैनिकों ने उसको पकड़कर डन के सामने प्रस्तुत किया डन ने कहा इसको कोड़े लगाओ उसको को, उस पर कोड़े कोड़ों की बरसात होने लगी और यही नहीं बल्कि उसको पूरी तरह से लहू लुहान कर दिया गया उससे डन ने कहा कि अगर तुम जाग पंजुम की जय बोल दो तो हम तुमको छोड़ देंगे लेकिन वो महात्मा गांधी की जय बोलने लगा देश आजाद आज़ादी के तमाम स्वर उसके मुखारबिंद से गूंजने लगे इतना देखते ही उसने कहा इसका दिमाग कुछ गर्म हो गया है इसको तालाब में उल्टा करके लटका दिया जाए लटकाइए तो इसका कुछ दिमाग ठंडा हो जाएगा उसको पकड़कर बांध कर तालाब में डुबोया जाता था जितनी बार तालाब से डूबो कर बाहर निकलता था महात्मा गांधी की जय बोलता हुआ लूह लुहान हो गया उसने अपना सर्वस्व इस देश के लिए न्यौछावर कर दिया ये महत्वपूर्ण घटना थी इसी के साथ लहरपुर क्षेत्र के गांजरी एरिया के सारे लोगों ने इकट्ठे होकर महात्मा गांधी की प्रेरणा से देश की आज़ादी में अपना योगदान प्रस्तुत किया और तमाम जगह लगान बंदी आंदोलन से लोग जुड़े और यही नहीं तमाम जगह जुलूस निकाले गए तमाम जगह अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद छेड़ी गई और जब ये जानकारी मिली तो न जाने कितनी जगहों पर लाठी चार्ज हुआ गोलियां चली हजारों हजार लोग हताहत हुए और कई काफ़ी लोग मारे गए ये जब सूचना जिला कांग्रेस कमेटी ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को भेजी तो उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ मोहनलाल सक्सेना को यहाँ पर जांच के लिए भेजा गया ये दोनों हमारे नेता स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ये हर तक तो गाड़ी से आए हर से शाह हर से कुरैया और दुनापुर तक ये तांगे से गए और उसके बाद रास्ता नहीं था पगडंडियों से ये साप भतफर के पड़ोस शाहपुर तक पैदल गए सारे गांवों में लोगों से बातचीत करते हुए लोगों के लोगों के जो उत्साह थे उनको पूरी तरह से और कैसे भर सकते हैं कैसे उनमें देश की भावना को और प्रतिस्थापित कर सकते हैं उसका प्रयास उन्होंने किया और जब शाहपुर में पहुँचे तो हजारों हजार की भीड़ इकट्ठी हो गई मंदिर के सामने एक नीम का पेड़ था उस पेड़ के नीचे वहाँ पर एक बहुत बड़ी सभा हुई जिसको उन्होंने संबोधित किया और स्वतंत्रता आंदोलन में जो लोग जुड़े थे जो घायल हुए थे जिनके परिवार सूने हो गए थे उन सबको सांत्वना दी और यही नहीं बल्कि वहाँ पर जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उन लोगों ने पंडित जवाहरलाल जी को आश्वासन दिया कि जब तक हम देश की स्वतंत्रता हासिल नहीं कर लेंगे हम चैन से नहीं बैठेंगे हम आज के अवसर पर यह भी कहना चाहते हैं हम आभार भी व्यक्त करना चाहते हैं कि हमारी जो समिति थी वो वहाँ पर गई और उसने जब ये घटना सारी देखी और वो स्थल देखा तो हमने मांग की कि यहाँ पर एक शिला लेख लगवाया जाए और यहाँ पर एक स्मारक बनाया जाए हम जेड जेड हसन साहब उस समय यहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे हम उनके प्रति आभार आज वो जीवित नहीं है उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं कि उन्होंने हमारी भावनाओं को समझा और वहाँ पर एक शिलालेख स्थापित किया इसी तरह से सीतापुर की अनेक घटनाएं हैं यहाँ पर ए, 1925 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ वो यहाँ लाल बाग पार्क में आयोजित किया गया जिस अधिवेशन में मोहम्मद अली मोती मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल, सैयद महमूद जैसे तमाम क्रांतिकारी लोग यहाँ पर आए और उन्होंने जनता को संबोधित किया सन उन्नीस और 30 में यहाँ नमक आंदोलन चला जिसमें विदेशी वस्तुओं की को जलाया गया होली जलाई गई जिस आंदोलन में खास तौर से परागीलाल चौधरी गंगाधर मिश्र विधार विशारद शिवराम वैद्य राम भरोसे शुक्ल बाबू शंभुनाथ जगन बाबू और कन्हैयालाल महेंद्र कन्हैया लाल महेंद्र के बारे में हम क्या कहें वो कांग्रेस के इतने जुझारू नेता थे उन्होंने इस जिले को किस तरह से स्वतंत्रता आंदोलन में नेतृत्व प्रदान किया उसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है जगन बाबू जिनको इतना पीटा गया था जिनकी जिनके कान से नहीं सुनाई देता था बाद में काफ़ी दिनों तक हम हमारे संपर्क में रहे हमारे घर आते थे हम लोग मिलते थे बातचीत होती थी और पूरी तरह से हमने देखा कि जगन बाबू का जो योगदान था देश की आज़ादी में सन सोलह से उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता लेकर इस आंदोलन को पूरी तरह से आगे बढ़ाने का काम किया था वहीं हम खास तौर से बीहद बीरम के ठाकुर इंद्रशेखर सिंह को भी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के मित्र थे और उन्होंने देश की आज़ादी के लिए इतना योगदान किया कि कई बार वो बंबई तक वो कांग्रेस के अधिवेशन में सीतापुर से बंबई तक साइकिल से गए और उन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया और पूरे जिले में कांग्रेस के कार्यक्रमों को और उस समय के जो स्वतंत्रता आंदोलनकारी थे उनको कैसे मदद हो सकती थी उसमें उन्होंने योगदान किया सन बत्तीस में यहाँ सलीमपुर में एक आश्रम पंडित शिवरा शिवराम वैद्य जी ने स्थापित किया उस आश्रम में हथकरघे लगाए गए थे और उस आश्रम में तमाम क्रांतिकारी जो बाहर से आते थे उनको शरण मिलती थी हम आपसे आज के अवसर पर बताना चाहते हैं कि उसमें एक दिन बम विस्फोट हो गया और उस बम विस्फोट से वहाँ पर एक अफरा तफरी का माहौल हो गया जिससे वहाँ पर हरे कृष्ण गंगाधर शर्मा रामनाथ अग्रवाल रामचंद्र खैराबादी ये लोग सब गिरफ्तार कर लिया गए लिए गए और इनको यातनाएं दी गई तो बम पहले भी फटते थे बम आज ही नहीं फटते हैं बम उन्नीस आप बत्तीस की घटना बता रहे हैं तो इस समय याना माना यानी माना जाए कि बम पहले भी बनते थे पहले भी फटते थे निश्चित रूप से जी क्रांतिकारियों का काम था कि वो जगह जगह पर जा करके उनको पूरी तरह से कैसे अंग्रेजों को पछाड़ सकते हैं कैसे उनको अगर उनकी सेनाएं गोली बरसा रही हैं तो इधर से बम फेंके जाते थे तमाम ऐसी घटनाएं हुई हैं हम ये भी बताना चाहते हैं कि सन उन्नीस में शाम को चार बजे ये लोहारबाग जो उस समय विजय लक्ष्मी नगर और लोहारबाग ये पूरा का पूरा ग्रास फार्म था यहाँ पर एक दाखाना था लोहारबाग में उसको लूटा गया और उसको लूटा गया तो वहाँ पर यतेंद्र नाथ सान्याल जी जो उसमें पूरी तरह से ए, उस, उ, उस कांड को, को पूरी तरह से उन्होंने किया था उनको गिरफ्तार कर लिया गया जग मैंने आपसे कहा सन उन्नीस सौ इक्कीस से अनवरत जगन बाबू विशंबर दयाल शर्मा बाबू शंभुनाथ पंडित दीनदयाल अवधेश अवस्थी संत शास्त्री प्रसिद्ध नारायण गौड़ और कृष्णचंद गुप्त कृष्णा बाबू जो हमारे नगर पालिका के भी सदस्य रहे जो हमारे यहाँ से विधायक भी रहे जिनका इतना योगदान था देश की आज़ादी में जिसको हम अगर बताने लगें एक एक अगर उनके जो कारनामे थे उन्होंने जो स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान किया था अगर उसकी चर्चा हो तो हम समझते हैं कि चार चार पाँच पाँच छः छः घंटे लग जाएंगे कन्हैया लाल महेंद्र बंशीधर शुक्ल मेनोरा जो भेष बदल कर जाते थे और वो 1942 के आंदोलन में रेल की पटरी उखाड़ते थे डाखाने जलाते थे ऐसे ऐसे लोग हमारे वीर जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी है आज हम देश की आज़ादी में जो सांस ले रहे हैं वो वो तमाम हमारे क्रांतिकारी वीरों ने तमाम ऐसे लोगों ने जिन्होंने इस देश की स्वतंत्रता के लिए घर से निकलते थे नहीं पता था वापस अपने बच्चों से मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे एक संकल्प होता था तब जाके हमको आज़ादी मिली है आज उस आज़ादी की रक्षा हम नहीं कर पा रहे आज किस तरह की स्थिति सारे समाज में पैदा हो रही है आज इसको देखने की जरूरत है हम खास तौर से सीतापुर के जो 18 अगस्त सन बयालीस को यहाँ पर गोली चली उसके बारे में भी कहना चाहते हैं कि यहाँ पर 18 अगस्त 9 अगस्त बयालीस में जब महात्मा गांधी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था करो और मरो की बात कही थी उस समय 18 अगस्त को यहाँ पर न जाने कितने स्वाधीनता संग्राम से जुड़े लोग इकट्ठे हुए और इकट्ठे होकर हजारों हजार की संख्या में यहाँ पर उन्होंने इनकलाब का उद्घोष किया मोती बाग में मोतीलाल बाग पार्क में इनकलाब का उद्घोष किया महात्मा गांधी की जय हो के नारे लगा रहे थे देश की स्वतंत्रता के आंदोलन के नारे लगा रहे थे चारों तरफ से अंग्रेजी हुक्मरानों ने वहां पर घेर लिया और उस बैठक को अगोश, उसको स्वीकृति सुिक, नहीं दी और उन्होंने उ, उस उसको समाप्त करने की घोषणा करने के लिए लोगों से कहा लेकिन नहीं चारों तरफ से उद्घोष हो रहा था चारों तरफ से संख्या बढ़ रही थी स्कूल और कॉलेजेस के छात्र चारों तरफ से इकट्ठे हो गए थे ऐसे में वहाँ पर लाठी चार्ज किया गया और लाठी चार्ज करने के बाद जब भीड़ नहीं थमी तो गोली चला दी गई जिसमें छः लोग शहीद हो गए आज भी उनके नाम वहाँ पर लिखे हुए हैं हम कहना चाहते हैं कि उस दिन की घटना यहाँ हजारों हजार लोग यहाँ पर जिनको लो लहू लुहान हो गए थे जो घायल हो गए थे उनकी संख्या हम नहीं बता सकते कितने लोग मरे होंगे इसकी भी संख्या नहीं बता सकते केवल छः लाशें यहाँ पर मिली थी जिनके नाम यहाँ शहीद स्मारक पर अंकित किए गए हैं हम आ, अपनी ओर से और आपके इस चैनल की ओर से पूरे सीतापुर जनपद की ओर से उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने अपनी जान दे दी इस देश की आज़ादी के लिए और उन तमाम स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े तमाम साथियों को जिन्होंने अपने घर की परवाह नहीं की अपने घर को सर, अपना घर का घर का सर्वस्व ने उछावर कर दिया ऐसे तमाम स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति नमन करते हैं और आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि 18 अगस्त सन बयालीस को हम लोग वहाँ पर अपनी स्वतंत्रता संग्राम स्मृत संस्थान की के द्वारा स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए लोगों को सम्मानित करते हैं वहाँ श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं कार्यक्रम करते हैं खासतौर से आपसे निवेदन आपके ए, इस चैनल के माध्यम से शासन और प्रशासन में बैठे लोगों से हम अनुरोध करना चाहते हैं उनसे मांग करना चाहते हैं कि ये जो सम्मान केवल पंद्रह अगस्त और छब्बीस जनवरी को जिलों में स्वाधीनता संग्राम सेना जो जीवित सेनानी हैं या उनकी पत्नियां हैं उनको किया जाता है इससे काम चलने वाला नहीं है जरूरत इस बात की है कि हर जिले का स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास संयोजित किया जाए और एक पुस्तक पहले छपती थी बच, ब, हम हम लोगों ने पढ़ा है हमारा जिला सीतापुर उसी तरह से हर जिले का एक इतिहास बना करके स्वतंत्रता संग्राम को उन उस पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए और आने वाली पीढ़ी को उससे प्रेरणा मिले दूसरी बात ये भी कहना चाहते हैं कि जिनके जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं जो शहीद हुए हैं उनके कम से कम उनके गांव की सड़कों का नाम उनके नाम से रखा जाए वहाँ पर स्कूल जो बने हुए हैं प्राइमरी स्कूल हैं जूनियर हाई स्कूल हैं सरकारी और कोई योजना से बिल्डिंग बनती है आपके अस्पताल बनते हैं उन अस्पतालों का नाम उन स्वाधीनता संग्राम सेनानियों के नाम से रखा जाए जिससे आने वाली पीढ़ी को उससे प्रेरणा मिल सके और उनका नाम जीवित रह सके स्वतंत्रता आंदोलन में जो लोग योगदान किए हैं उनकी स्मृति कायम रह सके समाज में आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते तो ये मांग जो पांच दशक से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए कार्य कर रहे हैं उनके परिजनों के लिए कार्य कर रहे हैं उनको नमन करने का काम कर रहे हैं उन्होंने मांग की है कि जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का इतिहास है वो पाठ्यक्रम में अनिवार्य रूप से किया जाए साथ ही जो मार्ग हैं उनके नाम से जो है नामकरण हो ये मांग उठी है एक बार चूँकि आपको फिर एक बार बता दें कि हरीश वाजपेयी जी स्वतंत्रता संग्राम इसमत संस्थान के अध्यक्ष हैं जो कि करीब 50 साल से जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों को सम्मान करती है साथ ही आ, ऐसे अवसरों पर वो उन लोगों को नमन भी करते हैं जो देश के लिए अपनी जान ने उछावर कर दिए तो आपको छोटी छोटे इसमें से हम कुछ बात आपसे करना चाहेंगे जब आज़ादी मिली तो आप कितने साल के थे और उस दौरान आपको जब ये खुशखबरी मिली आपके सामने आज़ादी मिली ना नहीं हम सब पचास पैदा हुए पचास उसके बाद में तो आपको बताया गया होगा बताते हमारे पिता स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जी और जब हम जानने वाले हुए तो एक ग्रुप रखा है हमारे यहाँ वो स्वाधीनता संग संग्राम में जुड़े हुए लोग जो थे उनका एक सन उन्नीस का स्वराज प्राप्त होने के बाद एक ग्रुप खींचा था उसको मैंने देखा जब चौथे पांचवे में पढ़ते थे समझने वाले हुए तो हमने कहा बाबूजी जी ये कैसा है तो उन्होंने मुझे पूरी बात बताई कि ये इस तरह का ग्रुप है और ऐसे ऐसे हम लोग जेल गए थे इसी तरह से हम लोग को यातनाएं दी गई तो फिर चूंकि पिता हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और कांग्रेस पार्टी में रहकर किसी पद पर नहीं रहते थे केवल सदस्य रहते थे शहर कांग्रेस कमेटी में लेकिन वो सामाजिक कार्यों में पूरी तरह से मजबूती के साथ काम करते थे कृष्णा बाबू जगन बाबू अवधेश अवस्थी जी इन सब के साथ जुड़ करके उन्होंने काम किया अच्छा आप तो जितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए सीतापुर के जब आपकी समिति ने काम करना शुरू किया तो उस दौरान ऐसे इनकी संख्या कितनी थी जिनके परिजनों को आप सम्मानित करते थे आज कितने बच्चे हैं करीब तीन चार सौ लोग रहते थे जिनको हम लोग सम्मानित करते थे और प्रतिवर्ष हम लोग किसी को बुलाते थे कभी डॉक्टर राजेंद्र कुमारी वाजपेयी आई हैं कभी सुरेंद्र सिंह जी जो आपके अलीगढ़ के थे और मंत्री थे उत्तर प्रदेश के वो भी आए हैं यहाँ पर हरदोई के हमारे दीक्षित जी राम अवतार दीक्षित जी, जी, जी आए हैं तो यहाँ विभिन्न अवसरों पर विभिन्न लोगों को बुलाया गया राजेंद्र कुमारी वाजपेयी आती थी रामलाल राही जी आते थे जिले के जितने भी हमारे नेता थे सांसद थे डॉक्टर संगता प्रसाद जी भी पूरी तरह से हमारे इस आंदोलन में जो हम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को और उनको सम्मानित करते थे इस आंदोलन में उन्होंने बड़ी भरकस हम लोगों की मदद की तो आप उनके और... परिवार के काफ़ी करीब भी रहते हैं जब जाहिर सी बात है उन्हें सम्मानित करते हैं उन्हें नमन करते हैं तो उनके करीब में भी रहते हैं तो इस दौरान कुछ उनकी समस्याएं रहती होंगी जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उनके परिजन हैं तो उनकी कुछ समस्याएं सामने आती होंगी वो अपनी दुखड़ा भी बताते होंगे जैसे कि आपने एक मांग उठाई है कि उनके हम मार्ग उनके नामकरण उनका किया जाए तो आपके सामने भी ऐसी समस्याएं आती होंगी निश्चित रूप से आती हैं हमने ये भी मांग उठाई कि सेनानियों जो सेनानी जीवित थे आज तो केवल मात्र एक सेनानी शर्मा जी बचे हैं सीतापुर ज़िले में लेकिन जब सौ लोग थे उस समय हमने मांग की थी कि ए, पखवारे में एक बार कम से कम स्वास्थ्य विभाग का एक डॉक्टर उनके घर जाकर के स्वतंत्रता सेनानी का परीक्षण करे और उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ले अगर ज़रूरत है तो उनको स्वास्थ्य सेवाएं दी जाएं इसके अलावा हमने ये भी मांग की थी कि महीने में कम से कम दो बार या तीन बार कोई ऐसी तारीखें तय की जाएं दिन तय किए जाएं जिस दिन आ, एक मजिस्ट्रेट बिठाया जाए जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार के लोग हैं उनकी जो समस्याएं हैं उनको सुनें और सुन करके उनको त्वरित पूरी तरह से उनका निराकरण किया जाए और इस बारे में हम चौबे जी हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे उनके प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि उन्होंने पखवाड़े में एक बार स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देशित किया था और पखवाड़े में एक बार स्वास्थ्य परीक्षण हमारे स्वतंत्रता से, संग्राम सेनानियों का हो रहा था लेकिन उनके ट्रांसफ़र होने के बाद वो प्रक्रिया पूरी तरह समाप्त हो गई हमने कई बार कहा लेकिन वो पूरा नहीं हो सका तो आ, इसके अलावा अगर हम बात करें स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी हुई आपने कई उदाहरण बताए लालबाग चौराहे से लेकर कुरैया उदयपुर और शाहपुर का वर्णन किया वहाँ के जो लोगों ने अपने देश को आज़ादी दिलाने के लिए उन्होंने अपने जान तक न्यौछावर कर दिए लेकिन झुके नहीं ऐसे लोगों को आ इंडिया भी नमन करेगा इतने दिनों में आप देखते हैं पचहत्तरवीं वर्षगांठ मना रहा है देश इतने दिनों में आज़ादी के मायने कितने बदल गए हैं आपकी नज़रों में देखिए पिछले दिनों में उत्तर प्रदेश में जब से कांग्रेस की सरकार नहीं है तीस वर्षों से अधिक हो रहे तब से यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानियों के लिए उनके परिवारों के लिए और उसके लिए कुछ नहीं हो सका है तो अब चूंकि इस अवसर पर ये कहना मुनासिब नहीं होगा दलगत बात हो जाएगी लेकिन जो लोग स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े नहीं रहे जिनके दल के लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग नहीं लिया जो लोग पूरी तरह से स्वतंत्रता की लड़ाई में अंग्रेजों से चुगुलखोरी करते थे वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में क्या समझ सकते हैं ये बड़ी बात कह दी आपने सब कुछ इसमें कह दिया और ये हकीकत भी है आज देखने को भी मिल रही है एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने साफ तौर पे कहा कि आज लोकतंत्र सेनानी और उनको एक दर्जे में रख दिया गया है जबकि उनके बारे में भी उन्होंने वर्णन किया और अपने इतिहास के बारे में कि उन्होंने क्या किया था तो जाहिर तौर पर यह सब कुछ अब देखने को मिल रहा है इतना बदल गया है ये स्वतंत्रता संग्राम का दौर तो ऐसे में हम युवाओं से कहेंगे कि आज आपको वो सारी बातें कि कैसा जनपद है अपना और किन लोगों के कारण हमें आज़ादी मिली है इसके बारे में हरीश वाजपेयी जी ने आपको विध्वत बताया हम उम्मीद करेंगे कि आगे ऐसे लोगों का इतिहास आप जानेंगे और उनके कदम चिन्हों पर चलने का प्रयास भी करेंगे फिलहाल आज के लिए इतना ही हमें दीजिए इजाज़त नमस्कार सर धन्यवाद